हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने संधारित्र में संचित जो ऊर्जा होती है इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर को हम लोगों ने हल कर लिए थे, उसका निगमन कर लिए थे, जो कि बोर्ड के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और कुछ न्यूमेरिकल का अभ्यास किए थे। आज इस चैप्टर की जो है लास्ट हेडिंग के बारे में जानेंगे, वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। डियर स्टूडेंट, ये भी पेपर के दृष्टि से, बोर्ड के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर वान डे ग्राफ जनित्र होता क्या है। एक पूरा थ्योरी टॉपिक है, इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता ये हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र होता क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। प्यारे बच्चों, तो वान डे ग्राफ जनित्र एक मशीन होती है, एक युक्ति होती है, एक उपकरण होता है। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, वान डे ग्राफ जनित्र एक मशीन होती है, एक युक्ति होती है, एक उपकरण होता है। अब चलो, यहाँ बात तो हो गई कि ये मशीन हो गई, एक युक्ति हो गई, उपकरण हो गई, आखिर किसकी मशीन है या किसका उपकरण है, इससे क्या होता है, मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक इस प्रकार का उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी आवेश को उच्च त्वरित तक क्या किया जा सकता है, उच्च त्वरित तक उसे क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी आवेशित कणों को, किसी आवेशित कण को उच्च त्वरित किया जा सकता है, यानी उसके गति को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो एक बार फिर से बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है, हमने कहा कि यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी आवेशित कण को उच्च विभव तक त्वरित किया जा सकता है। लगभग 10^6 वोल्ट तक इस उपकरण की सहायता से किसी आवेशित कण को त्वरित करते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों, एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं, जो कहीं भी छूटा होगा आपकी समस्याएं, आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार का उपकरण होता है, आपको फिजिक्स रटना नहीं है, फिजिक्स आपको समझना है। यह एक प्रकार का उपकरण होता है, यह एक प्रकार की मशीन होती है जिसकी सहायता से किसी भी आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी हो सकता है, किसी भी आवेशित कण को उच्च विभव तक क्या कर देते हैं, त्वरित कर देते हैं। बस इतना लिखने के बाद आ जाते हैं इनकी संरचना क्या होती है, ये बने कैसे होते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहली बात, इसमें दो ठो विद्युत रोधी स्टैंड लगे रहते हैं। ये देखिए, दो विद्युत रोधी क्या लगे रहते हैं, स्टैंड लगे रहते हैं। अब कहोगे प्यारे बच्चों विद्युत रोधी क्या होता है, अर्थात ऐसे धातुओं का ये स्टैंड बना होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। दो विद्युत रोधी स्टैंड लगे रहते हैं जिनके ऊपर एक क्या लगा रहता है, गोलाकार वलय लगा रहता है या एक वृत्ताकार वलय लगा रहता है। प्यारे बच्चों खोखला गोला होता है, क्या होता है, खोखला गोला होता है। दो ठो घिरनियाँ लगी होती हैं, P1 और P2 जिनका नाम दिया गया, दो ठो क्या लगी रहती है प्यारे बच्चों, घिरनियाँ लगी रहती है। अब कहोगे घिरनियाँ क्या होती है, घिरनियाँ वो होती हैं कि जैसे कि ये आपने कोई वलय ले लिया और वो वलय इसके इस अक्ष के पैतः क्या करे, घूर्णन कर सके, वो क्या होती हैं, घिरनियाँ होती हैं। तो घिरनियाँ क्या होती हैं, ये घिरनिया का काम क्या होता है प्यारे बच्चों, इस घिरनिया के सहायता से ये दो एक पट्टा लगा रहता है, क्या लगा रहता है प्यारे बच्चों, पट्टा, जिसे हम लोग रबर कहते हैं, क्या कहते हैं, रबर के बेल्ट लगे रहते हैं। जिस प्रकार पुराने जो इंजन होते थे, इंजन चलाए जाते थे तो इंजन में पुल्ली पट्टा लगाया जाता था जिसे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं, तो वहाँ जो आपका वो आता था पुल्ली, जिसको हम लोग यहाँ घिरनी कहते हैं, क्या कहते हैं, घिरनी, वहाँ हम लोग पुल्ली कहते थे, यहाँ क्या कहते थे, घिरनी। जिस प्रकार पट्टा पुल्ली के नीचे, पुल्ली के ऊपर चढ़कर घूर्णन करता था, गति करता था, आगे पीछे जाता है, उसी प्रकार ये जो रबर के बेल्ट होते हैं इस घिरनी पर चढ़ाए रहते हैं। अब आगे आइएगा, दो ठो घिरनी हो गए, अब बात आती है एक विद्युत मोटर लगा रहता है, क्या लगा रहता है प्यारे बच्चों, एक विद्युत मोटर लगा रहता है। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि इसी के माध्यम से ये घिरनी क्या करती है, घूर्णन करती है, अपने केंद्र के परतः क्या करना स्टार्ट करती है, घूमना स्टार्ट करती है। अब प्रश्न उठता है सर कि इस विद्युत मोटर से इस घिरनी को क्यों घुमाया जा रहा है, प्यारे बच्चों इस घिरनी को क्यों घुमा रहे हैं, तो आइए उसका भी जवाब देंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक यहाँ डीसी स्रोत लगा है, क्या लगा है प्यारे बच्चों, एक डीसी स्रोत लगा है, उसके माध्यम से, इस डीसी के माध्यम से क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है, क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है, जिसके कारण इस पे क्या हो जाते हैं, ये
एक यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक यहाँ C1 है और ये क्या है प्यारे बच्चों, C2 है। तो C1 एक कंघा है, C2 भी एक कंघा है। जिस प्रकार हम लोग जिस कंघे से बाल झाड़ते हैं वो कंघा आप लोग मत समझिएगा प्यारे बच्चों, वो कंघा नहीं है, उसी के आकृति का कंघा है। अब समझिएगा क्या होता है कि जब किसी बैटरी C1 जो होता है, C1 कंघा जब बैटरी से जुड़ा रहता है, बैटरी को ऑन किया जाता है, तो बैटरी से क्या होते हैं विभव, क्या निकलते हैं आवेश निकलते हैं, क्या निकलते हैं प्यारे बच्चों आवेश निकलते हैं। तो जो वो आवेश निकलता रहता है वो कुछ इस प्रकार प्लस आवेश निकलकर जब इस बेल्ट पे पहुंचता है तो ये आवेश इस बेल्ट के भाग पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, ये आवेश इस बेल्ट के भाग पर क्या आ जाते हैं, आ जाते हैं। फिर से समझिएगा प्यारे बच्चों, जब हम लोग क्या करते हैं डीसी को कंघे सी1 से जोड़ते हैं तो डीसी से निकलने वाला जो आवेश है वो इस पट्टे पर पहुंच जाता है, इस रबड़ के बेल्ट के ऊपरी भाग पर पहुंच जाता है। प्यारे बच्चों अभी केवल हमको क्या समझना है, इनका संरचना समझा है, समझना है क्रियाविधि अभी हम बाद में बताएंगे। एक बार और संरचना करते हैं, वे क्या होता है हमने एक बार फिर से आपको बताते हैं, वान डेर वाल्स जनित एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी भी आवेशित कणों को उच्च विभव तक लगभग 10^6 वोल्ट तक त्वरित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों इसकी संरचना क्या होती है, इसमें दो ठो घिरणियाँ लगी रहती हैं, एक क्या होता है वृत्ता खोखला वृत्ताकार गोला होता है और दो विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं, एक रबर के बेल्ट लगाए जाते हैं तथा साथ साथ में एक विद्युत मोटर होता है, दो ठो कंघे होते हैं, एक C1 होता है एक C2 होता है। प्यारे बच्चों C1 कंघे से एक डीसी स्रोत जुड़ा रहता है। तो प्यारे बच्चों इनकी संरचना क्लियर हो गई होगी, अब समझते हैं इनकी क्रियाविधि, ये कार्य कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, या कार्य करने से पहले इनके सिद्धांत को जान लेते हैं, इनका सिद्धांत क्या होता है प्यारे बच्चों, इनके प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो इनका सिद्धांत क्या होता है प्यारे बच्चों कि जितना आवेश यहाँ से जाएगा इस स्रोत के माध्यम से निकलने वाला आवेश और इस बेल्ट के माध्यम से ऊपर पहुँचने वाला आवेश इस गोले के बाहरी क्षेत्र पे, इस गोले के बाहरी क्षेत्र पर समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, समान रूप से विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों पहला सिद्धांत हमने लिखा है कि कोई भी खोखला चालक हो, कोई भी गोला हो, उसका जो आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, यानी इससे निकलने वाला जो आवेश होगा इस गोली चालक के बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान हो जाएंगे, बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित हो जाएंगे प्यारे बच्चों। दूसरा सिद्धांत क्या है, किसी चालक से वायु में जो विद्युत विसर्जन होता है, आप कहोगे प्यारे बच्चों विद्युत विसर्जन क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कंघा C1 है इस C1 से जब आवेश इस बेल्ट के माध्यम से जाता है तो जो C1 से जो आवेश निकल रहे हैं, C1 से जो आवेश निकल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन। तो जो विद्युत विसर्जन होता है वो किसके, उसके नुकीले सिरे द्वारा प्राथमिकता से होता है, यानी जो इसका नुकीला सिरा है, ये जो नुकीला सिरा है इसकी प्राथमिकता होती है, इसमें सबसे ज्यादा विद्युत विसर्जन होता है। तो प्यारे बच्चों ये इनके दो सिद्धांत है, अब हम समझते हैं इनकी क्रिया विधि क्या होती है प्यारे बच्चों, क्रिया विधि। तो प्यारे बच्चों समझ लेते हैं क्रिया विधि क्या होती है, तो ध्यान से समझिएगा क्रिया विधि क्या होती है, जब क्या होता है, जब किसी डीसी स्रोत से C1 कंघा को जोड़ते हैं, जब किसी डीसी स्रोत से C1 कंघे को जोड़ते हैं तो C1 डीसी स्रोत से निकलने वाला जो आवेश होता है वो कंघे C1 के मदद से इस रबर के बेल्ट पर आ जाते हैं। तो रबर के बेल्ट ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे 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 क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो इस रबर के बेल्ट के माध्यम से यहाँ जो आवेशित कण है वो C2 कंघे के पास पहुंच जाता है, कहां पहुंच गया प्यारे बच्चों, C2 कंघे तक पहुंच गया। तो C2 कंघे के यहां C2 कंघे पर प्रेरण की कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण जो यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और ऋण आवेश उत्पन्न होने के कारण जो यहाँ धनावेश इकट्ठा हुआ है वो धनावेश इस गोले के बाहरी क्षेत्र पर, इस गोले के बाहरी क्षेत्र पर क्या हो जाता है, विद्यमान हो जाता है, बाहरी क्षेत्र पर स्थापित हो जाता है।
बाहरी क्षेत्र पर स्थापित हो जाता है। फिर जो ये यहाँ पर जो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है, प्रेरण के कारण जो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है, वो इसी जो है यहीं पर क्या हो जाते हैं, विसर्जन हो जाते हैं, यानी यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। फिर पुनः जो ये अगर दूसरा रबर वाला बेल्ट है, इस घिरनी के माध्यम से जो ये दूसरा रबर का बेल्ट आ रहा है, ये पुनः उदासीन हो जाता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं रह जाते। फिर से ये जब P1 के पास पहुँचता है, जब C1 से गुजरता है, तो फिर इस पर आवेश आ जाते हैं। फिर ये आवेश को लेकर जाता है C2 पर, और C2 पर प्रेरण की घटना उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो धनावेश रहेगा वो इसके बाहरी क्षेत्र पर आ जाएगा, जो ऋण आवेश होगा यहीं पर विसर्जित हो जाते हैं। और फिर ये जब इस घिरनी को क्रॉस करेंगे, इधर आएंगे, तो उदासीन हो जाएंगे, इस पर कोई आवेश नहीं रहेंगे। अर्थात इस प्रकार प्रोसेस चलता रहता है, और जो आवेश होते हैं वो आवेश इस गोले के बाहरी क्षेत्र पर उपस्थित होते जाते हैं। उपस्थित होते होते जो है एक ऐसा समय आता है कि काफी ज्यादा आवेश वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यह जो आपका वान डे ग्राफ जनित होता है, कार्य करता है। एक बार अच्छे नज़रों में विधिवते फिर से क्लियर कर लेते हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों, जब किसी डीसी स्रोत से C1 कंघे को जोड़ते हैं, तो डीसी स्रोत से निकलने वाला आवेश रबर के बेल्ट के माध्यम से C2 कंघे पर पहुंचता है। C2 कंघे पर प्रेरण की घटना के कारण जो धन आवेश होता है वो क्या हो जाते हैं, गोले के बाहर क्षेत्र पर या गोले के बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान हो जाते हैं। और जब ये रबर का बेल्ट इस घिरनी से होते हुए जब इधर आता है, तो ये उदासीन हो जाता है। उदासीन होने के कारण इस पे आवेश नहीं रहते। फिर जब ये P1 घिरनी से होते हुए C1 कंघे के पास पहुँचता है, तो फिर पुनः उसी प्रकार का आवेश इस पे आ जाता है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है, और गोले के बाहरी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार जो है हम किसी आवेशित कण को जो है उच्च विभव तक क्या कर पाते हैं, त्वरित कर पाते हैं प्यारे बच्चे। तो इस प्रकार इसकी क्रियाविधि होती है। माना गोलीय चालक की त्रिज्या गोलीय खोखले की त्रिज्या गोली खोखले की त्रिज्या आर है। क्या है प्यारे बच्चों, आर है। तथा धारिता क्या है प्यारे बच्चों, तब गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की धारिता, ठीक प्यारे बच्चों, तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, 4πε0R हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, 4πε0R। तब गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अब C का मान अगर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, Q/4πε0R। अगर हम लोग इसे व्यवस्थित करते हैं तो 1/4πε0 Q/R आ जाएगा। यानी जो गोले के चालक पर जो विभव उत्पन्न होगा वो ये होगा, और ये जो विभव है वो आवेश के अनुपाती, अर्थात जितना ज़्यादा आवेश का मात्रा यहाँ एकत्रित होगा उतना ज़्यादा इसका विभव होगा, और जितना गोले चालक की त्रिज्या कम होगी उतना ज़्यादा उस पर विभव की मात्रा बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त हो जाती है, और आज ये चैप्टर भी समाप्त हो जाते हैं। इस चैप्टर के जो कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं वो आज की क्लास में बता दिए जाएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल अगली क्लास में बता दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, आपका सवाल है, एक धातु की गोले जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है, ये 2010 में पूछा गया है प्यारे बच्चों। एक गोले की धातु है, क्या है, एक गोले की धातु है जिसकी त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। क्या है प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर है। तो आगे कह रहा है 1 कूलम आवेश पर कितना विभव होगा, तो 1 कूलम आवेश पर कितना विभव होगा प्यारे बच्चों। तो फार्मूला हम जानते हैं कि गोले पर विभव जो होता है, गोले के पृष्ठ पर विभव जो होता है, वो फार्मूला क्या होता है, विभव क्या होता है,
क्या पूछा? विभव पूछे हैं। क्या पूछा गया अभी? विभव। तो प्यारे बच्चों, गोले के चालक के पृष्ठ पर विभव हो जाएगा V बराबर Q बटे C। अब Q का मान आपको दिया गया है, एक कूलाम है। क्या है प्यारे बच्चों? एक है। C, C का मान नहीं पता। हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। तो रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ R बराबर क्या है प्यारे बच्चों? R बराबर 1 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो 1×10⁻²⁰ मीटर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। r का मान कितना है? 1×10⁻²। प्यारे बच्चों इसका मान पूरा होता है 9×10⁹। ठीक, यहाँ 1/1 का मतलब कुछ नहीं, 1×10⁻²। ऊपर भेज दिए तो 9×10⁹, ये आ गए 10⁻². जोड़ दिए तो 9×10⁻११ बोल्ट आ गए प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आई होप बच्चों वीडियो आज का पसंद आया होगा, और अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ आज की क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों आज आपकी ये सेकेंड चैप्टर समाप्त हो जाता है, और अगली क्लास में हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।